मसाला किचन में आज बन रही है एक अमेजिंग सी कुल्फी। यकीन मानिए बहुत पसंद आएगी। हमने कई तरीके की कुल्फियाँ बनाई होंगी, आइसक्रीम बनाई होंगी, इस गर्मियों के लिए इंजॉय किया होगा और आगे भी करेंगे। क्यों ना कुछ अलग बनाया जाए, क्योंकि एक ही जैसी हर चीज़ खा के ना थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो आज की ये जो खरबूजे के अंदर हम कुल्फी बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें चाहिए क्या वो देख लेते हैं। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। चलिए अब लेते हैं खरबूजा। ये बड़ी साइज का है, इसे ऊपर का पोर्शन कट कर लेते हैं। अब इसका अंदर का पल्प कैसे निकाला जाए, इसे हम छोटी सी कटोरी या कुकी कटर से इसे कट कर लेते हैं और इसको पूरा अंदर तक साफ कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन भी हमें काम आएगा, बाद में बताऊंगी इसकी क्या रेसिपी बनाएंगे। चलिए कट तो हो गया, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अंदर से थोड़ा और पल्प निकाल लेते हैं। पल्प थोड़ा ज्यादा निकालेंगे ना तो इसके अंदर हम कुल्फी अच्छे से भर पाएंगे। अब चलते हैं गैस पर, 1 लीटर फुल क्रीम दूध रखते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी जरूर डालिए, जिससे वो नीचे लगे नहीं। और बड़ी कढ़ाई लेंगे ना तो अपने आप सारे काम करते रहिए और यहाँ पर दूध उबलता रहे, करता रहे, क्योंकि हम बना रहे हैं बढ़िया सी कुल्फी। ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, लेकिन जो आपका मन पसंद हो, और तब तक न डालें जब तक कि दूध आधा ना हो जाए। जब दूध आधा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी स्वाद अनुसार डालिए, डिपेंड करता है मस्क मेलन कितना मीठा है। यहाँ आधी कटोरी चीनी डालती हूँ इसमें और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। इलायची पाउडर इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसमें मस्क मेलन का फ्लेवर आना चाहिए। अब दूध कट चुका है, इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि बढ़िया ठंडा ना हो जाए। इसमें काफ़ी सारे जो रेशे हैं ना, सब तरफ से वो स्क्रैप करके इसी दूध के अंदर डाल दीजिए, जिससे बढ़िया सी कुल्फी बने। अब बारी आती है इस ठंडे से दूध को हम मस्क मेलन के अंदर भरेंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे से एक बोल रख देते हैं जिससे ये जो मस्क मेलन है ना, ये इधर उधर लुढ़के नहीं। तो इसमें हम पूरी कुल्फी भर देते हैं और जो ऊपर से कट लगाया था ना, जो ऊपर उसकी कैप थी, उसे कवर करके हम फ्रीजर में रख देते हैं। आपने देखा 1 लीटर पूरा जो दूध हमने कुल्फी बनाई थी ना, सारा का सारा इसके अंदर आ गया है ना, बढ़िया सी बात। अब जो हमारे पास वो मिश्रण बचा हुआ है ना, जो मस्क मेलन का हमने पल्प निकाला था, उसका हम शेक बना लेते हैं। और फैमिली सब मिलकर जब सुबह नाश्ता करती है ना, ये शेक आपको बेहद पसंद आएगा। मिक्सी का जार ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल ऐसे बनाना। उसमें हम डालेंगे पल्प, और भी डालना है तो वो भी डाल सकते हो। थोड़ी आइस डाल दीजिए, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, और भी कुछ डालना है, ड्राई फ्रूट डालना है वो भी डाल दीजिए। मैंने वैसे अभी कुछ नहीं डाला। ठंडा मैंने दूध डाल दिया, कोई आइसक्रीम वगैरह यूज़ नहीं किया है, क्योंकि घरों में कई बार हमारे पास आइसक्रीम भी नहीं होती है। है आपके पास तो आप डाल सकते हो। मेरे पास तो आज सिर्फ ये पल्प है, चीनी है, आइस है और दूध है। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। लीजिए, बढ़िया सा शेक बन गया है। इसे फैमिली वाला जो ग्लास होता है ना बड़ा सा, उसमें डाल देते हैं और इसे गार्निश करेंगे थोड़े से पिस्ते की कतरन से। लीजिए, ये आइसक्रीम तो जम गई है, इसे हम कट कर लेते हैं। अब क्या है ना, ये जो फ्रूट है काफी अच्छे से जम जाता है, क्योंकि हमें कुल्फी भी अंदर से जमानी होती है। तो कुल्फी तो होगी अंदर बढ़िया नरम, लेकिन जो फ्रूट है ऊपर वाला वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। लीजिए, मैंने इसे कट कर लिया है। अब क्या करना है, जब तक हम धीरे धीरे कुल्फी खाएंगे तब तक जो नीचे वाली लेयर है ना फ्रूट की, वो भी सॉफ्ट होती जाएगी। और धीरे धीरे उन दोनों का एंजॉय कीजिए। आप चाहें तो फ्रूट को काफ़ी हद तक निकाल कर भी यूज़ कर सकते थे। ये आपकी च्वाइस है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।
हमने पहले भी कई सारी कुल्फियाँ बनाई हैं, कई सारी आइसक्रीम बनाई हैं, जैसे मैंगो में स्टफ्ड कुल्फी भी बनाई है, मैंगो रबड़ी बनाई है, लच्छा रबड़ी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाई है, मटका कुल्फी बनाई है, 6 टाइप की कई आइसक्रीम्स बनाई हैं, प्रीमिक्स से आइसक्रीम कैसे बनाएं वो भी मैंने आपको रेसिपी दी है, कोकोनट आइसक्रीम बनाई है, कस्टर्ड आइसक्रीम बनाई है, पान आइसक्रीम बनाई है। इन सब से आपको कौन सी पसंद आई, कौन सी आपने बनाई, किसका आपको रिजल्ट अच्छा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कुल्फी आपको कैसी लग रही है ये भी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल पर सब्सक्राइब करने की कोई गंजूसी न कीजिए।